लोग चाहे जो मर्जी कहें, पर बहुत सारे लोग जो मीट खाते हैं वो दो रीजंस की वजह से खाते हैं। एक उसका स्वाद और दूसरा उसका टेक्सचर। स्वाद तो मसाले और बनाने के तरीके से आता है और टेक्सचर तो बहुत सारी सब्जियों का मीट जैसा होता ही है। यही बात प्रूव करने के लिए आज मैं कटहल से KFC जैसा फ्राइड चिकन बनाने वाली हूँ। हमने आधा किलो कटहल लिया है जिसे हमने शैलो फ्राई कर लिया है। आप इसे बॉईल भी कर सकते हैं। कटहल में से बीज निकाल लेंगे और मोटे हिस्सों को काट कर अलग कर लेंगे। बीज को आप फेंकिए मत, क्योंकि आप इसकी सब्जी बना के अलग से खा सकते हैं। इसके लिए हम दो अलग तरह के मिक्स बनाएंगे, एक मसाले का और एक दूध के साथ। मसाले का मिक्स बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 कप चावल का आटा। उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद के हिसाब से आप इसमें नमक डाल लीजिए, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 बड़ा चम्मच चीनी का। और फिर इस मिक्स में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अनियन पाउडर, 1 छोटा चम्मच जिंजर पाउडर और 1 छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर का, और सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध का मिक्स बनाने के लिए हम 1 कप सोया मिल्क ले रहे हैं। आप कोई और प्लांट मिल्क भी ले सकते हैं। और उसमें मिक्स करेंगे हम 1 बड़ा चम्मच विनेगर का। अब कटहल के टुकड़ों को एक एक कर पहले गीले और फिर सूखे मिक्सचर में 2 बार लपेटेंगे। जब कढ़ाई मीडियम हाई सेक पर गर्म हो जाए तो उसमें फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे। अब इन टुकड़ों को हम फ्राई करेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि 2 टुकड़ों में स्पेस हो। जब कटहल अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो उसको निकाल लीजिए। ये फ्राइड कटहल दिखने और खाने में बिल्कुल चिकन जैसा है। साथ ही साथ इसके आपको बेनिफिट्स काफी ज्यादा हैं। कटहल फाइबर में हाई होता है और कोलेस्ट्रॉल और फैट में बिल्कुल जीरो। अगर आप किसी को जानते हैं जो चिकन खाना छोड़ना चाहते हैं तो ये ऑल्टरनेटिव आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको हमारी और रेसिपीज़ हमारे नए YouTube चैनल पे मिल जाएगी, जो सिर्फ रेसिपीज़ को ही डेडिकेटेड है। उसका एड्रेस है youtube.com/peoplefarmproducts।